DRDO सेप्टम 10 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। देखो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड पैसेज किस तरीके से आता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो पैसेज आता है वो आपका नॉर्मल पैसेज रहता है। बस उस पैसेज में ध्यान रखना कि 25 से 30 वर्ड ऐसे होंगे जो आपके लंबे होंगे। जैसे मेंटेनेंस आपका हो गया, मेंटेनेंस लंबा वर्ड है, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन आपका आ गया। तो इस तरीके से जो 25 से 30 वर्ड होते हैं वो आपके लंबे रखे जाते हैं कि इनमें कई बार आप गलती करो। और अक्सर आप देखना कि जो बड़े वर्ड आप लिखते हो ना, जब भी आप बड़े वर्ड के पैसेज की प्रैक्टिस करना आप गलती करते हो, कोई ना कोई मिस करते ही करते हो। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप अपना टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एकदम से लोग खटखट कर टाइप करने आते हैं। स्टार्टिंग में आपको धीमे लेके चलना है, आपको आराम आराम से चेक करना है, क्योंकि उस टाइम प्रेशर रहता है। आपको पहले अपने मन पे कंट्रोल करना है। इसे धीरे धीरे एक लाइन आप टाइप करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाएगा, एकदम से फिर आप आराम से टाइप करते चले जाओगे। भड़बड़ाओगे अगर ज़्यादा आप लोड लेने की कोशिश करोगे तो आपके वर्ड गलत होते जाएंगे। इस चीज़ को आपको हर हाल में कंट्रोल करना है अगर आप चाहते हो कि टाइपिंग में मेरा अच्छा एक्यूरेसी आए, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट जो कॉमा फुल स्टॉप के लेके कई बार सोचते हैं कि यार ये छूटने ना पाए, तो अगर मान लो आपका कॉमा फुल स्टॉप छूट भी जा रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कॉमा में कई बार उंगली रखने में इधर उधर भी हो जाता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि पूरे अगर पैसेज में कॉमा अगर फुल स्टॉप देखोगे तो लगभग एक वर्ड की जो मिस्टेक आपकी होती है उसके बराबर आपका काउंट होगा, ठीक है। एक वर्ड की मिस्टेक मैं आपसे कह रहा हूँ, वो ध्यान रखिए, ठीक है। एक परसेंटेज नहीं कह रहा हूँ। तो वो अगर आप छूट भी रहे ना, उसको छोड़ दो, ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ो। मेन आप ध्यान रखो कि वर्ड बाय वर्ड आपके एक एक चीज़ सही होनी चाहिए, ठीक है। बस ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, बाकी कुछ नहीं रखना है। बस अपने मन का जो डर है वो बस आप अपने ऊपर हावी मत होने देना, बाकी आप टाइपिंग अच्छे से करो। बस ये चीज़ अच्छे से मैं आपको एक्सपीरियंस अपना जो है वो मैं दे रहा हूँ।